मुजफ्फरपुर जिले में फिरौती की मांग को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का अपहरण कर लिया। फिर अपहरित युवक के परिजनों ने 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर दी। जब अपहरित के परिजनों ने 20 लाख रुपए ज्यादा होने की बात करते हुए अपहरणकर्ताओं से फिरौती की राशि कम करने का आग्रह किया, तो किसी तरह अपहरणकर्ताओं ने 3 लाख रुपए की रकम को तय किया। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने जगह बताया और वहां पर फिरौती की रकम लेकर आने की बात कही। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और महज 3 घंटे के अंदर ही अपहरणकर्ता के साथ अपहरित युवक और फिरौती में वसूले गए 3 लाख रुपए बरामद कर लिए। कल देर रात्रि अंशु कुमार लगभग 25-26 साल उम्र है उसका, उसके अपहरण की खबर आई। मेरे मोबाइल पर कॉल आया, तुरंत SHO करजा को लाइनअप किया गया। परिजन उनके पास भी पहुंचे और वरीय पदाधिकारी को खबर करते हुए इस पर तुरंत एक्शन लिया गया। हम लोग अपने तकनीकी मदद से, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी मदद से इसको फॉलो किया गया। CTSP साहब के द्वारा लगातार इसको फॉलो भी किया जा रहा था। इस क्रम में और गुप्त सूचना सर्विलांस की मदद से हमने बिल्कुल एक्यूरेट उस लड़के की सकुशल बरामदगी की, अंशु की सकुशल बरामदगी भी हुई। इसके साथ साथ फिरौती हेतु जो जिस मोबाइल का प्रयोग किया गया था, जो जिससे डिमांड किया गया था, वो भी रिकवर हुआ। परिजनों के द्वारा कुछ रकम का इंतजाम भी किया गया था, वो भी रिकवरी हुई। लड़का बिल्कुल सकुशल पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। एक लड़के की उसमें प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता आई है, जिसके द्वारा पैसे का डिमांड किया गया था, और 2 अन्य लोगों के द्वारा भी उसमें बात सामने आ रही है, जिसके भी हम लोगों ने संदिग्ध के रूप में तत्काल पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया है, और पूछताछ के बाद उस पर हम लोग और भी अनुसंधान करके उस पर डिसीजन ले सकेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लड़का भी सकुशल है और जो मेन कल्प्रिट है, जो मुख्य आरोपी है, वो भी पुलिस के कब्जे में है और परिजन भी काफ़ी संतुष्ट है। कितने लोगों को हिरासत में लिया है? बेसिकली ये 4 लोगों का ग्रुप था जो कि पुराने दोस्त हैं और एक पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी क्रम में यह कहानी सामने आ रही है कि 2 लड़के पहले खाना पीना करके वो लोग बाहर निकल गए और बाद में 2 बच्चे, जिसमें एक अपहृत लड़का और एक जिसके द्वारा जो मुख्य आरोपी वो था, तो 3 लोगों को हम लोगों ने अपने डिटेन किया, जिसमें एक मुख्य आरोपी है और 2 लोगों की संलिप्तता पर हम लोग बाकी डिटेल्स खंगाल रहे हैं और जो भी डिटेल आएगा वो फिर हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल आपस दोस्ती का मामला है, ये लोग साथ बैठ करके पार्टी कर रहे थे। इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग बता दें कि इस लड़के का, चूंकि यह एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, तो हो सकता है कि जिसका अपहरण किया गया, इस कॉन्स्पिरेसी में मे भी अपने गार्जियन से पैसा लेने के लिए उसकी भी संलिप्तता रही होगी। इस मुद्दे पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। पहले तो 20 लाख आया, फिर 10 लाख, काफ़ी सारा डिटेल है, फिर 5 लाख कुछ रुपये दे दो, वो काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग है, तो उस पर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन परिजन के द्वारा तत्काल जो भी हो सका आसपास के रिलेटिव्स लेकर के कुछ इंतजाम करके दिया गया था, जो रिकवर कर लिया।